हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या आप सफल होना चाहेंगे तो वो आपको क्या जवाब देगा। आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है। अक्सर हमारे बहुत सारे भाई बहनों को सफलता का सही मतलब नहीं पता होता है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि एक बढ़िया घर हो, नौकर चाकर हो, घर में एसी हो, फ्रिज हो, हर तरीके की व्यवस्था हो, घर में एक सुंदर पत्नी हो जो हमारी हर समय मदद करे, हमको सारा सुख दे, घर में दो चार गाड़ियाँ भी हो ताकि जब भी मन करे घूमने का तो गाड़ी निकाला और निकल पड़े घूमने के लिए। अक्सर लोग यही जवाब देते हैं कि हमारे पास जितना भी कामयाबी होगा उतना ही हम सफलता की गिनती में गिने जाएंगे। सफलता का यही मतलब होता है। लेकिन मेरे भाई, आप एक मसीही हैं, आप दुनिया से अलग हो चुके हैं। सफलता पाने के लिए आपके लिए यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। या तो सांसारिक लोगों की ज़रूरतें होती हैं, यदि गर्मी लग रही है तो एसी लगवा लिया, कहीं जाना है तो गाड़ी खरीद लिया, मन उदास है, अकेले रहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ हैं, जब भी मन किया शादी कर लिया, जब मन किया रिश्ता तोड़ दिया, तलाक ले लिया, मेरा काम इससे नहीं चल रहा है उससे चलाऊंगा, ये क्या है? इसको सांसारिक सफलता कहा जाता है। संसार में यही चलता है। पत्नी की सारी ज़रूरतें पूरी कर दिया, बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, उसके बाद नौकरी मिल गया, अब मिल गई सफलता। मतलब ऐसा होता है दुनिया में, तो कहने का क्या मतलब है? आज के समय में यही चलता है। आज बड़े बड़े साधु महात्मा तो हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी स्टेज लगाते हैं, वहाँ पर लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, वहाँ 16 साल 18 साल की लड़कियाँ नृत्य करती हैं, बाबा लोग जब लोगों की भीड़ में उतरते हैं तो एक शानदार गाड़ी में आते हैं जिसमें एसी है, सारी व्यवस्था है। वो अपने नौकरों से कहते हैं, नौकर यानी कि अपने सेवकों से, दरवाज़ा खोलो तो दरवाज़ा खुलेगा, उनके लिए एक पंडाल बिछाया जाता है, उनके पैरों के नीचे फूल बिछाया जाता है, वहाँ पर बाबा लोग कुछ प्रवचन सुनाते हैं फिर घर चले जाते हैं। बाबा बनने में कितनी आराम की ज़िंदगी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, क्रिकेटर, ये लोग सफल व्यक्ति हैं, इनको आप क्या कहेंगे? ये दुनिया के गिने चुने सफलता पाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन वहीं एक बेरोजगार आदमी जो दर दर भटकता है, मारा मारा इधर उधर फिरता है, इधर उधर ठुकराया जाता है, उसको कितनी समाज से जिल्लतें उठानी पड़ती हैं, कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक विश्वासी हैं, मसीही हैं, आपके कहने का क्या मतलब है? आप किन लोगों को जानते हैं जो सफल व्यक्ति हैं? हम जब बाइबल में देखते हैं एक राजा अध्याय 2:3 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। क्या होए? तू सफल होए। तो कहने का क्या मतलब है? प्रभु कहता है कि जो प्रभु की विधियों को मानता है, प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, सफल व्यक्ति वो होता है। देखिए, आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च में आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, बहुत सगे संबंधी होंगे जो प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताते हैं। आप चर्च में जाते हैं कि नहीं? बहुत सारे ऐसे पास्टर भी हैं जो आपको और हमें बचाते हैं। बहुत सारे ऐसे पास्टर भी हैं जो आपके और हमारे लिए बहुत दुख भी उठाते हैं। सफलता का मतलब वो नहीं है कि जैसा कि मैंने ऊपर आपको उदाहरण दिया, आपके पास महंगी महंगी वस्तुएँ हो गई हैं, आप अमीर बन गए हैं, आपके घर में सारी उपलब्धियाँ हासिल हो गई हैं, या तो एक दिखावा है। जैसे कि एक बच्चा जब खिलौने की जिद करता है तो उसके पापा उसे मार्केट से एक खिलौना लाकर दे देते हैं, वो बच्चा शांत हो जाता है और उसमें खेलने लगता है।
ठीक उसी प्रकार हमारे लिए ये सारी वस्तुएं हैं। मत्ती अध्याय 16 के 26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जग को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तो कहने का क्या मतलब है, यदि आप सारी दुनिया को जीत लें और आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास प्रभु यीशु नहीं है, तो क्या आप एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। सफलता का मतलब वह है जिससे हम बचाए जाते हैं, हमारी आत्मा बचाई जाती है। आज बहुत सारे ऐसे मसीह भी हैं जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, वह सफल होते हुए भी असफल हैं, उनका रास्ता बदल गया है। वह अपने बच्चों को उस अंधकार जगह में भेजना चाहते हैं जहां पर पाप है, बुराई है। आज भी जब कोई पास्टर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो वह चंगा हो जाता है, वह दुख से निकल जाता है, पीड़ा से बच जाता है। आज भी एक पास्टर जब किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है, उसके जीवन में खुशियाँ लौट आती हैं, वह सारे बुरे काम छोड़ देता है, जैसे नशे करना, ड्रग्स लेना, झगड़ा करना। वह व्यक्ति बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीने लगता है, उसके घर में फिर से जो शांति खो गई थी वो शांति चली आती है। आज भी हमारे पास्टर, यहाँ तक कि हम सभी मसीही मिलकर अपने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो दर दर भटकते हैं, भूखे नंगों के लिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, उनके लिए हम सभी मिल के प्रार्थना करते हैं। क्या आप इन लोगों को एक सफल व्यक्ति मानते हैं? नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके पास वो सारी वस्तुएं नहीं है, वो सारी शोहरत दौलत नाम नहीं है जो अन्य लोगों के पास है, क्योंकि आप सफलता को कुछ और नाम देते हैं। एक सफल व्यक्ति वही है जो प्रभु को जान गया है और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलकर उद्धार पा गया है। सफल व्यक्ति वही है, यदि आप अपने जीवन में कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, तो आपके जीवन में सब कुछ तो पूरा नहीं हो सकता है, आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में एक चीज पूरा होगा तो एक चीज की कमी जरूर रहेगी, आप जीवन भर उसी में उलझते रहेंगे। आप सोचेंगे कि मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये शौक पूरा करना है, मुझे वो शौक पूरा करना है, इसी में आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा और एक दिन आप मर जाएंगे। लेकिन असली मजा तो एक मसीही बनने में है। जरा सोचिए कि एक मसीही कौन होता है। बाइबल सिखाता है कि यदि तेरी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर क्या करो, दूसरा गाल भी फेर दो। यदि तेरे लिए कोई एक मील चले तो उसके लिए तू दो मील चलना। तू अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करना। तो ये सारी बातें सुनकर कितना अच्छा लगता है ना। जरा सोचिए, यदि आपका पड़ोसी एक महंगा कार लेके आता है आपको जलाने के लिए, तो आप क्या सोचेंगे, आप उससे भी महंगी कार लेके आएंगे उसको दिखाने के लिए? नहीं, बाइबल सिखाता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसका सही मतलब क्या है, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है, यानी कि आपका पड़ोसी यदि आपको कभी भी बुलाता है मदद के लिए, तो उसके लिए हमेशा उपस्थित रहिए। कभी भी उसको किसी प्रकार का दुख होता है तो उसकी मदद कीजिए। सफलता किसी को नीचा दिखाने में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में नहीं होता है। आप दूसरों से प्रेम करें, दूसरों के जीवन को बचाएं, यही सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि हमारे यहाँ की जिंदगी तो कुछ पल के लिए है, कोशिश करिए कि हमारी अनंत काल की जिंदगी हमेशा के लिए बनी रहे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करें और उनको भी बताएं कि प्रभु का वचन हमें एक सफल बनने के लिए क्या सिखाता है। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।